किसान आंदोलन पर राज्यसभा में क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री मोदी। राजनीतिक पार्टियों के किन सवालों पर भड़के प्रधानमंत्री। आंदोलनकारियों के लिए क्या है राज्यसभा से मोदी का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। बीते दिन संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने किसान आंदोलन पर देश की विरोधी पार्टियों को घेरते हुए काफी कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बोलते हैं तो लगभग हर विषय पर अपनी बात रखते हैं। विपक्षियों के सभी सवालों पर एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब पेश किया। फैक्ट्स के साथ प्रधानमंत्री ने इतिहास के कुछ पन्नों का भी उदाहरण दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समय में देश के किसानों की स्थिति को बताने वाले आंकड़ों से लेकर देश में कांग्रेस काल में लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयानों तक हर एक तथ्य के साथ प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा में किसान आंदोलन पर अपना बयान दिया। लेकिन बीते दिन प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण में उनकी कुछ लाइनें जो काफी चर्चा में रही वो इन सबसे अलग एक शब्द से है जिसका जन्म कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा हुआ। वो शब्द है आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि हम लोग श्रमजीवी बुद्धिजीवी जैसे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में देश में एक नई जमात पैदा हुई है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने परिजीवी आंदोलनजीवी का नाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में परिजीवी आंदोलनजीवी की एक नई जमात पैदा हुई है। ये जमात वकीलों, छात्रों, श्रमिकों सभी के आंदोलन में ये नजर आती है। इनकी एक पूरी टोली है जो आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकते। वह दूसरों के आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं, जितने दिन चल सकता है चल जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी सरकार में है, यहाँ बैठे सभी दलों को ऐसे आंदोलन जीवियों का अनुभव होगा। इसके अलावा प्रधान सेवक ने कल राज्यसभा से एक और बात कही जिसका जिक्र मैं आपके लिए यहाँ कर देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में FDI से हम परिचित हैं। मैं FDI का मतलब यहाँ आपको बता देता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आजकल इसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। आजकल FDI का मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी बन गया है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के लोगों और संगठनों को आड़े हाथों लिया। लेकिन आंदोलन के बारे में देश के प्रधान सेवक के ऐसा कुछ कहने के बाद अब काफी सवाल उठ रहे हैं। आंदोलन को लेकर राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान के बाद कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। भारत जैसे देश में जहां आंदोलन हमारी आजादी का सबसे बड़ा हथियार रहे, उस देश में आंदोलन या आंदोलनकारियों को लेकर संसद में इस तरह के शब्दों का प्रयोग काफी कष्टदायी है। देश में आंदोलनों के महत्व की बात करते हुए राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सुनसान हो जाएंगी उस दिन संसद खामोश हो जाएगी। लोकतंत्र में सत्याग्रह आंदोलन जिंदा कौम का काम करती है और उन्होंने ही देश को समय समय पर दिशा और दशा बदलने में मदद भी की है। राम मनोहर लोहिया की इन लाइनों को आपको बताने का हमारा मकसद केवल इतना ही है कि आंदोलनों का देश में कितना महत्व है ये आपको समझा सके। लेकिन यहाँ हम पूरी तरह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आजकल जिस तरह आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। कुछ गलतियां उनमें भी हैं। आजकल के आंदोलन भी पहले की तरह शुद्ध नहीं रह गए हैं। देश में अब आंदोलन भी कुछ राजनीतिक मिलावट के साथ चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उससे भी आंदोलन और आंदोलनकारियों से लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं कम हो गया है। आंदोलनों का सम्मान कहीं ना कहीं देश में इन्हीं कारणों से कम हुआ है। इसके लिए कोई और नहीं, खुद आंदोलन करने वाले वर्ग जिम्मेदार है। क्योंकि आंदोलन करने का मतलब सिर्फ बुलंद आवाज में सत्ताधारी सरकार या किसी का विरोध करना नहीं होता। आंदोलन का मतलब देश को सही दिशा देने की जिम्मेदारी होती है जिसका भार आंदोलन के कंधों पर होता है।
आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो देश की गरिमा और लोकतंत्र के सम्मान को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। आंदोलन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब आंदोलनों में इस जिम्मेदारी की कमी साफ दिखने लगी है और यही कारण है कि आंदोलनों के इस देश में अब आंदोलनों पर ही सवाल उठने लगे हैं। मीडिया चैनलों और डिबेट से आगे निकलकर अब ये सवाल संसद तक पहुंच चुके हैं और ये चिंता का विषय है। आंदोलनों का इस तरह अपमान देश के आंदोलनकारी नेताओं का अपमान है, हमारी आंदोलन से जन्मी आजादी का अपमान है। बहरहाल हम इस पर सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, इस पर किसी की राय बना नहीं सकते। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही अन्य खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।